सड़कों पर मचा संग्राम। धू-धू कर जलते टायर। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। बस्ती में मचा ये हंगामा। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कबीर तिवारी के मौत के बाद मचा है, जिसे दिन दहाड़े 20 सड़क पर गोली मार दी गई, जिसने बस्ती की छात्र राजनीति में हड़कंप मचा दिया। सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए, रोडवेज की बसों में तोड़फोड़ की, वहीं गाड़ियों में भी आग लगा दी। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। छात्रों ने एम्बुलेंस को कोतवाली गेट पर रोककर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस को वारदात के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा, जिसमें दो हमलावर गोली मारने के बाद भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों हमलावरों को पकड़ लिया, वहीं 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। जो भी लोग इस तोड़फोड़ में इन्वॉल्व हैं और जो लोग हत्याकांड में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो कबीर तिवारी के रिश्तेदार थे, लेकिन जमीनी विवाद में छात्र नेता का रसूख दिखाकर आए दिन मारपीट किया करते थे, जिसके चलते मजबूर होकर जानलेवा फैसला करना पड़ा। कबीर तिवारी के स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी के काफी करीबी होने के नाते आरोपियों को काफी जलालत का सामना करना पड़ रहा था। बहरहाल इलाके में तनाव का माहौल है और छात्र संघ चुनाव को देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। मजहर आजाद, बस्ती।